सबसे पहले गाइज हमको अपना ब्राउजर खोलना है लाइनक्स पर। देखिए गाइज मेरा ब्राउजर खुल रहा है, 1 सेकेंड वेट करिए। देखिए मेरा ब्राउजर खुल चुका है और ब्राउजर में जा करके आपको सर्च करना है गिट हब की बॉम। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर वाली लिंक आएगी, इसमें आपको क्लिक मारना है। क्लिक मैंने क्लिक मार दिया है और देखिए पेज खुल गया। इस कोड में जाकर आपको इसको कॉपी करना है और अपना ब्राउजर क्लोज कर देना है। इसके बाद अपना आपको टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है सुडो सुडो गिट क्लोन, और जो लिंक आपने वहां से कॉपी की थी उसको शिफ्ट कंट्रोल वी के माध्यम से पेस्ट करा देना है। शिफ्ट कंट्रोल वी दबाना है पेस्ट कराने के लिए, देखिए। और उसके बाद आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। मैं अपना इंटर प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर तो उसके बाद आपको अपने उसमें जा करके जहाँ पर भी आपका इसको आपने डाउनलोड किया उसको खोलना है आपको। ठीक है, हम अपने उसमें खोलते हैं। खोलने के बाद आपको सिंपली बेस की बॉम डॉट एस एच टाइप करना है। ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर रन होने के लिए रेडी है, इसको हम चालू करते हैं। देखिए प्रेस इंटर। इसमें देखिए सिंपली लिख के आ रहा है कि कॉल फेक का एसएमएस भेजने के लिए बंद दबाइए, फेक कॉल भेजने के लिए 2 टाइप करिए, फेक मेल के लिए 3 का ऑप्शन अभी नहीं है। तो हमको मान लीजिए एसएमएस भेजना है तो हमने सिंपली 1 टाइप किया, इंटर कर दिया। देखिए हमारा प्रोसेस हो रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको अपना कोड टाइप करना है, यहाँ पे आपको अपना नंबर टाइप करना है, सॉरी नंबर गलत टाइप हो गया, नंबर टाइप करना है। उसके बाद आप कितने मैसेजेस भेजने हैं वो लिखना है यहाँ पे, उसके बाद कितने सेकेंड में भेजना है, उसके बाद कितने का रहना चाहिए, तो यहाँ मैक्सिमम 2 देखिएगा आप और प्रेस इंटर कर दीजिएगा। ये देखिए फिर रिज्यूम करने के लिए दोबारा इंटर दबाना है, और इसके बाद जैसे आप इंटर दबाएंगे देखिए 1 बाई मैसेज जाना हमारे से शुरू हो गए। इस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं फेक ओटीपी के माध्यम से।